काजल, काजल दरवाजा खोलो काजल, काजल मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं जेल से भागा हूँ काजल, काजल पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, काजल प्लीज दरवाजा खोलो, काजल, 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 नो, डैमेज, चले जाओ यहाँ से वरना मार डालूँगी, काजल काजल अगर मुझे मार कर तुम्हारे अंदर दहक रही बदले की आग बुझ सकती है तो मार तो मुझे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। मैं अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता काजल। अरे तुमने अपने माथे पर और मेरे दिल पर बहुत दाग लगाए हैं जो तुम्हारे मौत के बाद भी नहीं धुल सकते। मैं जानता हूं काजल, जो घाव तुम्हें मिले उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन काजल मेरा यकीन करो, मैंने इस फरिश्ते का खून नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम, अगर तुम खूनी नहीं हो तो उन गवाह और सबूतों ने तुम्हें खूनी कैसे साबित कर दिया? अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो अदालत में भी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दिया? जब सजा सुनाई जा रही थी तो अपना सर झुकाए क्यों खड़े थे? क्यों क्यों क्यों? है जवाब इसका तुम्हारे पास? जवाब है मेरे पास काजल, हाँ सारे सबूत और गवाहों ने मुझे खूनी साबित कर दिया। अगर अदालत में मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सका, अगर सजा सुनते वक्त मेरा सर झुका हुआ था तो सिर्फ इसलिए काजल, क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लान था। मैं नहीं जानता था कि वो एक प्लान नहीं बल्कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी। मैं नहीं मानती है झूठी कहानी। काजल, 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 डैमेज, क्यों नहीं समझती तुम? डैमेज, क्यों नहीं समझती? डैमेज, क्यों नहीं समझती तुम? काजल, क्यों नहीं? Believe me, काजल, believe me. काजल, काजल अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूं? मैं मानता हूं वो तुम्हारे पिता थे, लेकिन मेरे लिए पिता से बढ़कर थे, वो मेरे गुरु थे, मेरे आदर्श थे। काजल, क्या तुम्हें लगता मैं अपने गुरु, अपने आदर्श का खून कर सकता हूं? काजल, दुश्मनों की साजिश ने सिर्फ तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली, हरिनाम को भी फांसी पर चढ़ा दिया क्या? हाजी खान मुझे बचाते शहीद हो गए, यहां तक कि मैंने अपनी अपाहिज बहन को भी खो दिया, अपने बाप की आरती को कांटा भी नहीं दे सका मैं। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो, 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 तुम्हें अभी यकीन नहीं आता हाँ? मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है, जुल्म और आतंक को मिटाने की एक ऐसी मिसाल पैदा करूंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी, जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। Thank you.
घर पे तो कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं मनानी, कुछ नहीं चाहता हूं मैं। अरे जो अर्जुन लोहे की सलाखें और पत्थर की दीवारों को फांद कर भाग सकता है, उसका मेरी पार्टी में आना क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं मंत्री जी, वो जरूर आएगा। पहले उसका सर कटेगा, उसके बाद आपका केक कटेगा। लंकेश्वर, अर्जुन बेवकूफ नहीं है। माना मंत्री जी, माना। वो बहुत अकलमंद है, लेकिन गुस्सा अकल को खा जाता है। और आपकी बर्थडे पार्टी पे अर्जुन को उसकी अकल नहीं, उसका गुस्सा लाएगा, और गुस्सा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको अर्जुन जिंदा चाहिए या मुर्दा? अरे मुर्दा चाहिए मुझे। नहीं, लाना भी मत, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन हाँ कमिश्नर, मुझे पूरा पुलिस बंदोबस्त चाहिए यहाँ पर। आई वॉन्ट द इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ओवर हियर, ताकि कोई भी खतरा ना हो। खतरा तो है मंत्री जी। हमारे लिए नहीं, अर्जुन सिंह के लिए। अगर वो लोग ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। मैं गुस्से से नहीं, अकलमंदी से काम लूंगा। मैंने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली है। अर्जुन तुम समझते नहीं हो, वहां सिक्योरिटी इतनी है। सिक्योरिटी सिर्फ मुझे मारने के लिए नहीं, उनकी बचाव के लिए भी है। और इतनी सिक्योरिटी उन्हें लापरवाह और बेफिक्र कर देगी, और उनकी वही लापरवाही मेरा साथ देगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हरगिज नहीं। क्यों नहीं अर्जुन? ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है।